स्पेशल फरमाइश हरिपुर के हमारे एक भाई हैं, फर्स्ट टाइम उन्होंने रब्ता किया है। वो कह रहे हैं आज के वीडियो में फराज भाई चंद कबूतर आपके हमें बहुत पसंद आए और हम आपसे लेना चाह रहे हैं। अब मसला ये होता है भजन, कबूतर बहुत सारे होते हैं, हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम आपको कैसे बताएं या आप हमें कैसे बताएं। अब जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है ना, जो कबूतर उनको पसंद आ रहे थे ना वो टेडी ब्रीड में से थे, सीधी सी बात है। क्योंकि उन्होंने जो पिक्चर भेजी है ना, ये मैं ज़रा साइड में होता हूँ, देखें मेरा ख्याल है एक ये कबूतर था जो उसको कूटा करा था। टैडी है लेकिन चैम्पियन है, इसके पाँव में देखे हमने छल्ले कितने डाले, देख रहे हैं आप, ये समाधि के साथ लगा हुआ है। उन्होंने एक हमें इसकी भेजी थी, मेरा ख्याल है वो मुझे कंफर्म कर दें, ये ब्लू छल्ले डले हुए इसके पाँव में ना, एक पाँव में तीन, एक पाँव में एक, चार। इसके अलावा जो उन्होंने हमसे कबूतर मांगा था ना वो भी घाटे के साथ था, क्योंकि ये भाई जो है ना ये शौकीन टैडियों के लग रहे हैं। चले चले वो कबूतर इस तरह का कौन सा था, ये देखे ना, अब ये है, ये भी टैडी कसूरी में से बना हुआ है। इसके एक पाँव में दो गुलाबी और एक पाँव में एक ऑफ वाइट छल्ला है, शायद ये वो कबूतर था जो उन्होंने पसंद किया था। और भी थे जो इससे मिलते जुलते हैं, ये देखना, ये बगैर छल्ले वाला, ये भी जोड़ा बना हुआ है इसका, कसदार कबूतर ये, कस वाला, नीचे आ जाए छापर, अच्छी बात नहीं है, गंदी बात है। ये देखना, ये जैसी छाती देखें, ब्रीडर कबूतरों जैसी छाती बनी हुई है इसकी। एक ये कबूतर है वो ये देख लें, फिर एक ये कबूतर है हरे रंग वाला, इसके एक पाँव में गुलाबी छल्ला डला हुआ है, ये देख लें। फिर ये मादी है, अंदर चली गई है, आज शाबाश। ये देखें इसके पाँव में पांच छल्ले। अब टैडी ये भी है भजन जो पूरा गोल कर दिया गुस्से में, ये भी टैडी कबूतर है, क्योंकि ये रंगों वाले भजन ये लाहौर में इस तरह उड़ते ही ऐसे हैं, ये मादी चेक करें भजन। और अल्लाह से दुआ मांगता हूँ जब मैं मादी बोलूँ मादी निकले बाद में रंग नर ना निकला है, कुछ पता नहीं होता, देख रहे हैं आप। अब ये देखें ना, ये भी रामपुरी है, ये भी टैडी येलो छले वाला, ये जो गुटक रहा है, ये जो गुटक रहा है, ये देखिए, ठीक है ना, ये येलो छले वाला है। उनके लिए हम टैडी टैडी अलग अलग कर रहे हैं ताकि उनको भी मुश्किल ना हो और हमको भी मुश्किल ना हो। मेरे ख्याल इतने काफ़ी हैं, इनमें से वो कोई ना कोई चुन ही लेंगे। अभी देखें ना, ये जो घुटक रहा है नर जौंसरा नीलदुम्बा भाई, जरकानी टच में इसकी आँख है। और मजे की बात है सियालकोटी रंग में, लेकिन लगता है किसी ने टैडी सियालकोटी क्रॉस मारा है, जिसकी वजह से इतना हुसन बढ़ गया इसका। इधर ना दो हमारे पास ये इस तरह के कबूतर हैं जो बड़े अन्नी डाल देने वाले इसमें हैं, एक और है वो कहीं सज्जे खब्बे हो गया मुझे लग रहा है इसमें। एक तो ये है ना हमारा सियालकोटी मोतियों वाला, ये भी किसी का चैंपियन कबूतर है। एक है ये गुलाब सिरा, लोग लाखा बोलते हैं, ये भी किसी का उड़ता चैंपियन कबूतर है। मुख्तलिफ होते हैं भाई, क्रॉस कोई भी लग जाता है, आप गोल्डन क्रॉस मार सकते हैं, आप चीना क्रॉस मार सकते हैं, कमगर क्रॉस मार सकते हैं, सियालकोटी क्रॉस। ये देखना ये येलो रंग वाला, अब ये खुद टैडी से निकला हुआ है इसके लिए, चला बाहर मुन्ने, शाबाश मेरे अच्छे बच्चे कट्टू। ये देखें ऐसे लग रहा है किसी का मेहंदी का फंक्शन अटेंड करके आ रहा है। अब ये टैडी कबूतर है भाई, ठीक है, किसी का उड़ता कबूतर है, कैसे देखे रंग लगाया। अल्लाह की शान है भाई, कैसा कैसा कबूतर लोगों के पास होता है, हम तो खुद हैरान हो जाते हैं।
ये चीना बगैर छल्ले के, लेकिन उन्हें टैडी के दीवाने हैं, मुझे अंदाजा हो गया उन्हें टैडी उनके पसंद आ गए। ये ना वो वीडियो ऐसे बना था हमारा ऊपर से, तो कबूतर गुटक रहे थे तो छल्ले नजर नहीं आ रहे थे। ये भाई नील दुबा बहुत अन्नी डाल देना किसी आला उस्ताद के घर पर। ये ले भाई आपको बता दें हमें एक दफा रिंग करके, ताकि फिर फाइनल करें उनका ना। कबूतर तो बहुत है ना अंदर, ये देखें, ये देखें, देख रहे कल पोटिया टच में, इसमें अंदर भी टैडी मारा है किसी ने, रामपुरी टैडी मारा है इसके अंदर, जब ये रंग निकल के बाहर आया तो ना ऐसे ही रंग बाहर नहीं आता। अंदर हमारा खुलसर अंडे सेक रहा है भाई, देखें अब देखना, ये वही गोल जो मैंने आपको कहा था पूरा गोल हुआ है। अब ये टैडी कबूतर है, ये किसी का उड़ता कबूतर है, लेकिन गुस्सा बड़ा है भजन, इतना गुस्सा है लोगों को कि मैं आपको क्या बताऊं। ये हमारा लखा, ये आ गया, वो दूसरा कबूतर अंदर आ गया भजन, ये देखे कलसरा, इसके बॉम्ब में एक गुलाबी और एक रेड छल्ला है, ये मैरून छल्ले वाला भजन गोल्डन कबूतर है। ये हर कबूतर का अपना अपना हुसन होता है। ये भाई जो पैंतीस वालों में से निकला हुआ है ना, ये जान है, जान तो कहते हैं ना जाने जहां। अब एक पाव में हमने इसके देखे चार मुख्तलिफ रंग के छल्ले डाले और एक पाव में एक डाला है, ताकि ये कभी भी कबूतरों के साथ रले ना। इसे हम कहते हैं किंग, इसको और इसके बच्चों को उस मौसम में उड़ाना चाहिए जब कंफर्म 200% आंधी और तूफान आया हो, फिर इसके बच्चे उड़ाने चाहिए। अभी देखना ये गुटक रहा है ग्रीन छल्ले वाला, इसके मुंडों पे दोनों तरफ मुख्तलिफ दो रंग लगे हुए। ये वो आ गया बड़ा जो मैं कह रहा था कस वाला कबूतर है, ये जो ऊपर जाने लगा, ये देखे बल्ले बल्ले हुई हुई है भजन, इनकी मौज लगी हुई है, क्योंकि उस्ताद लोग को नारों को अलहदा, मादियों को अलहदा। ये ले भजन, हरिपुर वाले भाई खुश हो जाएं, क्योंकि छुट्टियां हमारी स्टार्ट हो गई हैं और अल्लाह का शुक्र है सेहत भी अच्छी है और खुशी भी है। खुशी इस बात की है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब आप हक अदा करते हैं, रोज़ों में इबादत करते हैं, नेकी का काम आप इतना करें ना करें, कम से कम बुराई के काम से रुक जाएं। अभी भी रोजे चल रहे हैं, आइंदा के लिए भी अपनी ना ये आदत बना लें कि अगर आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा काम भी ना करें, तो अंदर से खुशी होती है भजन, मज़ा आता है ईद मनाने का, सीधी सी बात है। ये आया भजन, ये देखें है तो लाखा, लेकिन किसी ने गोल्डन मारा है इसके अंदर भजन, कमाल है। ये चेक करें ब्लैक हॉर्स, कोई जो मैं आपको बोलता रामपुरी किसी ने मारा है इसके अंदर, आप जैसे नफीस उस्तादों के उठते हुए कबूतर हैं। ये कबूतर तो भजन 200% वही है जो उन्होंने ऊपर से दिखाया था, इसके पाँव में देखें ब्लू 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 छल्ले हमने कितने सारे डाले, ये कबूतर था वो जो मांग रहे थे वो, और जोड़ा इसका, जबकि मजे की बात है इस मादी के साथ बना हुआ है, गोल्डन मादी के साथ पक्का लगा हुआ है, अंडों पर आया मादी को भगा रहा है इस वक्त। इंशाल्लाह जिंदगी रही ना भजन, वीडियो बनाएंगे, छुट्टियां मैं कह रहा हूँ अन्नी डाल दी है गवर्नमेंट ने, अन्नी